Hey guys, welcome back to my channel that is Indian Regional Recipes. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भरवा करेला या स्टफ ब्रिंजल, जिसके लिए मैं ले रही हूँ अराउंड 300 ग्राम करेला, जिसका मैंने ऊपर से स्किन उतार दिया है एंड उसको मैंने बीच में से स्लिट करके, एक लंबा सा स्लिट करके, उसमें का जितना भी पल्प एंड बीज है उसको निकाल दिया है और इसमें थोड़ा सा नमक और लेमन जूस डालकर अच्छे से मिलाकर उसको एक घंटे के लिए रख दिया और एक घंटे के बाद उसको मैंने अच्छे से 3 से 4 बार पानी में अच्छे से वॉश किया एंड उसको जो भी एक्सेस वाटर है स्क्वीज आउट करके मैंने बाजू में रख लिया और थोड़ा सा तेल लिया मैंने कढ़ाई में अराउंड 2 टेबल स्पून, उस पर मैं थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ हींग डाल रही हूँ और 1/4 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स राई जीरा 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ और जब मस्टर्ड सीड्स थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगे तो उसमें से मैं 2 से 3 ग्रीन चिली चॉप करके डाल रही हूँ और 7 से 8 लहसुन चॉप करके डाल रही हूँ। जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 छोटे साइज़ की प्याज अच्छे से चॉप करके छोटे छोटे डाल रही हूँ और जब वो भी सौते हो जाए अराउंड 2 मिनट वो जब मतलब ब्राउन हो जाए या फिर ट्रांसल्यूजेंट हो जाए तो उसमें मैं धनिया पत्ते चॉप करके डाल दी हूँ और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दी हूँ और ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर मिलाने के बाद 1 से 2 मिनट बाकी सारे जो स्पाइसेस है वो मैं डाल दी हूँ, जैसे कि 1 टेबल स्पून लाल मिर्च रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी एंड 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा सौंफ भी डाल सकते हैं, क्योंकि उस समय में मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से सारे स्पाइसेस को प्याज में अच्छे से मिल जाए, वैसे 1-2 मिनट और सौते कर लीजिए ताकि इसका रॉ स्मेल जो वो भी चले जाए और मैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर लूँ ताकि मुझे पेस्ट जैसे कंसिस्टेंसी चाहिए था करेले में भरने के लिए, बट अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अवॉइड भी कर सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ये सारी चीज़ों को अपने जो बैंग करेला है जिसको आपने अच्छे से वॉश करके रखी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने किसी किसी बैंगन में पल्प नहीं निकाला है, ओनली बीज निकाला है, तो आपकी मर्ज़ी आपको निकालना है बट बीज ज़रूर निकाल लीजिएगा, पल्प तो आपकी मर्जी है। उसमें एक एक बैंगन करेला लेकर आप जितना भी जो भी मसाला आपने बनाया है उसको थोड़ा स्टफ कर दीजिए, अंदर भर दीजिए और एक धागे की मदद से आप उसको अच्छे से रैप कर लीजिए। ये धागे की मदद से रैप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जब ऑयल में उसको शैलो फ्राई करेंगे तो ये मसाले जो है बाहर ना निकले। तो ये सारे आप जब ऐसे कर ले तो उसके बाद वापस एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए अराउंड 2 टेबल स्पून, थोड़ा गर्म होने के बाद ये सारे करेले उसमें डाल दीजिए और एक तरफ अराउंड 10 से 12 मिनट पकने दीजिए। जब वो अच्छे से ब्राउन हो जाए एक तरफ उसको फ्लिप कर दीजिए, दूसरी तरफ भी आप 10 से 12 मिनट पकने दीजिए तो आपके जो भरवा करेला है रेडी है। आप थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स चॉप करके डालकर आप सर्व कर सकते हैं। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सेम वीडियो इंग्लिश एंड तेलुगु में भी अवेलेबल है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और आप लोग कैसे बनाते हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं भी ट्राई करूँ। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड जाने से पहले प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।